हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। में आप देख रहे हैं जे गेम्स HD और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यस, मुझे पता है बहुत दिनों के बाद जो हम वापस आ चुके हैं और काफ़ी टाइम लगा मुझे। आपको पता है ये थोड़े से हेल्थ इशू थे और थोड़ी और सी प्रॉब्लम चल रही थी, इसके वजह से वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा था। लेकिन फिलहाल भी हम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए, लेकिन आप लोगों के बार बार कमेंट आते रहते थे इंस्टाग्राम पे, कभी डिस्कॉर्ड के सर्वर पे, कभी मेरे दूसरे चैनल्स पे, जहाँ पे आप कमेंट करते थे कि भाई वीडियो कब लाओगे। तो वीडियो लाना तो बहुत मुश्किल था फिलहाल, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बहुत जो है कैसे ना कैसे करके वीडियो बनाई है। और आपके चलते ही मैं फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन आया हूँ, तो इसलिए मैंने गेमिंग कंसोल भी साथ में ला लिया है। तो थोड़ा सा अपलोडिंग में और वीडियो क्वालिटी में और साउंड क्वालिटी में आपको थोड़ा फर्क दिख ही रहा होगा, लेकिन कुछ दिन के लिए भाई ये मैनेज करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं वापस से सारे वीडियो जो है प्रॉपर उसी चीज़ों में जो है अपलोड होते रहेंगे, वही मतलब वही वीडियो क्वालिटी और वैसी ही साउंड क्वालिटी। फिलहाल मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लेकिन अभी भी मैं कुछ कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, यानी कि कुछ बता नहीं रहा आपको कंफर्म कि हर दिन वीडियो आएंगे। फिलहाल हर दिन वीडियो नहीं आएंगे, लेकिन मैं ट्राई करते रहूँगा वीक में कोई ना कोई एक दो वीडियो जो है लाने की ट्राई करते रहूँगा। और जो दूसरा एजी फीफा वाला चैनल है वहाँ पर भी वीडियो अपलोड करने की ट्राई करूँगा, लेकिन फिलहाल जैसे जैसे मुझसे हो सकता है। फिलहाल वैसे मेरी उतनी अच्छी हालत है नहीं कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँ और रेगुलर जो है आप लोगों को वीडियोस देता रहूँ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि वीक में 2 या 3 वीडियो जो है ज़रूर डाल दूँ। और थैंक्स भाई, सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है मेरे लिए और कमेंट करते रहे। तो अब ये सब बातें छोड़ देते हैं, हम आगे तरफ बढ़ते हैं। तो फिलहाल तो मैं अपने वही क्रिकेट 19 माई प्लेयर करियर मोड के एपिसोड को वापस लाया हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो डाला था उसके बाद से मैंने आज तक इस गेम को खेला ही नहीं था, और उसके बाद मैंने आज ही जस्ट ये गेम खेली और रिकॉर्ड किया है। तो आई ट्राइड सो हार्ड कि मैं इस वापसी करूँ, मतलब मेरे प्लेयर की वापसी करूँ और कुछ अच्छे जो है रन यहाँ पे स्कोर करूँ, तो वैसे ही मैंने ट्राई की है। लेकिन देखते हैं क्या होने वाला है, दैट आई डोंट नो क्या हो सकता है। तो फिलहाल टेस्ट मैचेस चल रहे हैं हमारे और हम आई थिंक यॉर्कशायर की तरफ से ही खेल रहे हैं। मैं तो काफ़ी कुछ भूल भी गया हूँ कि कौन कौन सी टीम से खेल रहे हैं। यॉर्कशायर से ही व्हाइट खेल रहे हैं, हॉर्स तो हमारे कप्तान जो है रूट साहब हैं। तो अब कप्तान साहब जो है, मैं चाहता हूँ कि वो पहले बैटिंग ले और बैटिंग करने का मुझे मौका मिले। वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं, अगर बैटिंग नहीं भी लेता तो भाई हम स्किप तो हो ही जाएगा। तो यॉर्कशायर ने टॉस जीत लिया। ओके, यशवंत वन द टॉस एंड जो रूट ने क्या डिसाइड किया, बॉलिंग द करने का विजल इज फैसला विन द किया। लेकिन कोई बात टॉस नहीं, ये पार्ट एमओ स्किप हो बॉल जाएगा और डायरेक्ट फर्स्ट। बैटिंग की तरफ हम यहाँ से आ जाएंगे। ओके, तो 370 जो है हमारा हाईएस्ट है अभी तक का, और 1300 स्कोर किए थे। तो पहली बॉल तो हम डिफेंस ही करेंगे। मुझे लग रहा है मेरा प्लेयर भी मेरी तरह बेचारा थोड़ा वीक हो चुका है, और प्रॉपर तरीके से जो है बेचारा बैटिंग कर पाता है नहीं कर पाता है, वो हमको देखना पड़ेगा। वैसे हाई स्कोर तो काफ़ी अच्छा हमारा 1300 है भाई, 950s हैं, लेकिन फिर भी फिलहाल कोई सिलेक्शन हमारा हुआ नहीं। लेकिन कुछ एक जगहों पर हमारे लिए चांस है अगर हम अच्छी बैटिंग करते हैं तो। ओके, शॉट सिलेक्शन थोड़ी सी ख़राब लग रही है मुझे यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ओके, थोड़ी सी गुड लेंथ पे बॉल। हो, तो यहाँ पे तो एंड हो चुका है भाई साहब। तो ट्राई तो की थी हमने, लेकिन 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 स्लिप में कैच चला गया और बिना कोई रन बनाए बाहर की तरफ। कोई बात नहीं, सेकेंड इनिंग में देखना पड़ेगा यहाँ से कितना हम स्कोर कर पाते हैं। ओके, सेकेंड इनिंग में बैटिंग फिर से आई है हमारी। वैसे तो मेरी टीम जो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। वैसे टारगेट 369 का मिला है हमको, मुझे लगता है अचीव हो सकता है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है अगर थोड़ी सी अच्छे से बैटिंग की जाए तो। ओके, मेरे प्लेयर की कुछ हालात ख़राब दिख रहे हैं मुझे, देखते हैं ये कब तक रिकवर होता है, मतलब मैं भी कब तक होता और ये कब तक होता है। ओके, कवर्स में ही गेंदें गिर रही हैं। फिर से एक और गेंद, और थोड़ा सा कट करने की ट्राई थी लेकिन मुझे लग नहीं रहा कट प्रॉपर तरीके से हो पा रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो क्या स्कोर करने वाला है भाई ये सेकंड इनिंग में भी। ओके, ये शॉट थोड़ा सा गैप में गया, आई थिंक ये फर्स्ट बाउंड्री हो सकती है जी हाँ, फर्स्ट बाउंड्री बहुत टाइम के बाद, मतलब जब तक हमने लास्ट में बोलता उसके बाद पहली बाउंड्री हमारे यहाँ पे। ओह, यहाँ वहाँ कहीं नहीं दिखा भाई अब गेंद। ये बढ़िया शॉट है, गैप में भी गया है और बाउंड्री मुझे लगता है धीरे धीरे हो ही जानी चाहिए। गुड शॉट, 4 रन। ओके, 4 तो मिले एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो गुड शॉट। ओह, ये रिस्की हो सकता था, यहाँ पे लेट भी हो गया था, टाइमिंग कुछ ज्यादा ही लेट हो गया ऐसा मुझे लगा। छोटी गेंद, वेट कर रहे थे काफी टाइम के, अगर मिल जाए अच्छे तरीके से तो हम कुछ कर सकते, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर, गुड लेंथ पे बॉल थी लेकिन पॉइंट के फील्डर के पास बॉल। ओके, बढ़िया शॉट, सिंगल ढूंढ सकते हैं यहाँ से, अगर लेना चाहें, लेकिन लिया नहीं भाई, रिस्क नहीं लेना चाहते हम। ओह, बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर वहाँ पे।
स्पिनर को लाया नहीं और सीधी गेंद पे। ओ, बहुत ही सुंदर शॉट है भाई ये तो। स्ट्रेट ड्राइव था, इतना स्ट्रेट था कि बिल्कुल स्ट्रेट था, इससे बल्कि बॉलर चेक कर पाता ना बहुत ही। तो इसका तो रीप्ले देखना बनता है भाई, बहुत ही सही शॉट, इसी शॉट का वेट करता है। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, मिडल हुई है यहाँ से गेंद और सीधी गई है स्टंप्स के बाजू से, गेंद गई है और लकी भी रही है थोड़ा, नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम ये बॉल डूब भी जाती है। फिर से सेम गेंद थी, सेम शॉट खेलने का ट्राई किया था लेकिन इस बार थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद चले गई, मतलब मैं इसको बोलूँगा कि बॉलर की तरफ चले गई। ओके फिर से बढ़िया शॉट है, गैप में है क्योंकि दो दो मिल जाएंगे मुझे लगता है, यहाँ पर तीन भी हो सकते हैं। लॉन्ग ओवर फील्डर थोड़ा वाइड था, वैसे चार हो सकते हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है चार तक पहुँच पाएगा। मैं नहीं नहीं, नहीं वापस आएगा इसके लिए। गुड रनिंग देयर, ओके बैक फॉर थ्री। फिर से स्पिनर सेकंड एंड पे, ओ नो द कीपर इज क्लाइमिंग इट, और यहाँ पे विकेट चले गए। मुझे लगता है फिर भी शायद हम जीत सकते हैं अगर, क्योंकि जो रूट भी है हमारे पास काफ़ी अच्छी बैटिंग हो सकती है। ओके वेरी गुड, यहाँ से हमने सिर्फ 15 रन बनाया तक और काफ़ी ट्राई किया था हमने कि हम ज़्यादा रन बना पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर भी वैसे ही डाउन हो गया और मैच तो हम जीत गए, नो प्रॉब्लम। तो फिलहाल तो जो है मैं इतने छोटे से ही वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब वॉइस करना है तो वॉइस भी मैं प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहा हूँ और उतने लेवल तक नहीं कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं वीडियो का जो है लेंथ जो है इंक्रीज़ कर दूंगा, लेकिन फिलहाल हमने यही मैच खेला आज ही, और भी मैंने इसलिए डाला था बिकॉज ज़्यादा काफ़ी दिन हो चुके हैं और आप लोगों ने वीडियो अभी तक देखा नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सही तरीके से मैं वापसी करूँगा और आप लोगों के साथ वापस मिलूँगा। लेकिन फिलहाल मैं ट्राई करता रहूँगा कि एक दो दो वीडियो में जो आप लोगों के लिए डालता रहूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन सी यू एंड बाय।